be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. साथियों, आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में जिस वाले वीडियो को देखा, आपको भी अगर दोस्तों अपना वीडियो को कुछ इस तरह से एडिट करना है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कैपकट ऐप को ओपन करना होगा। कैपकट ऐप को ओपन कर लेने के बाद गाइस आपको अपना जो वीडियो है उसको आपको यहाँ पर सेट करना है। तो गाइस वीडियो आप यहाँ पर कुछ इस टाइप से शूट कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर गाइस स्काई के सामने मैं गया हूँ, देन कुछ इस टाइप से यहाँ पर मैं एक्टिंग करके वीडियो को यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको आप यहाँ पर किसी स्काई के सामने जाके आपको इस तरह से वीडियो को शूट करना होगा। करने के बाद दोस्तों वीडियो को आप यहाँ फर्स्ट तरफ में आ जाइएगा। अब गाइस आपको इस वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जहाँ पर साथियों इस वीडियो एडिटिंग में यहाँ पे जो जो चीज़ों को मैं यूज़ कर रहा हूँ सारे चीज़ों को मैंने लिंक दे के रखा है। अब दोस्तों वहाँ से हर चीज़ को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे ओवरले वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। एड ओवरले वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर साथियों सबसे पहले आपको स्काई वाला जो वीडियो है इस वाले वीडियो को आपको यहाँ पर सेट करना होगा। अभी गाइस अपने दोनों हाथों के फिंगर की हेल्प से जो स्काई वाला वीडियो है कुछ इस तरह से बड़ा कीजिएगा, देन आपका जहाँ पर स्काई होगा इस जगह पे गाइस आप इसको यहाँ पर रख दीजिएगा। रखने के बाद आप यहाँ पे नीचे में अगर देखोगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक मार्क्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको गाइस यहाँ पर मार्क्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा होगा स्प्लिट का, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। ये जो लाइन है इसको कुछ इस तरह से इतना दूर में लाइएगा, इस तरह से आपको यहाँ पर खींच देना होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, देखते हैं यहाँ पर स्काई कितना बढ़िया से यहाँ पर रिप्लेस हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर स्काई को फर्स्ट में मूव कराना है, उसके लिए गाइस आप यहाँ स्पीड वाले ऑप्शन में जाके नॉर्मल को सिलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से 2x आप यहाँ पर कर दीजिएगा, देन आप यहाँ पर ओके प्रेस आपको करना होगा। अब दोस्तों वीडियो को आप यहाँ पर प्ले कीजिएगा। प्ले करके गाइस जहाँ पर आप मुड़ के घुटना पे बैठ के कुछ इस तरह हाथ को आगे तरफ फैला रहे हो इतना पे आर्ट में आपको यहाँ पर आना होगा। देन ये जो वीडियो है इसका ड्यूरेशन दोस्तों आपको उतना ही रखना है, देन जो बाकी एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा इसको आप यहाँ पे हटा दीजिएगा। हटाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एड वाले वाले ऑप्शन पर सेट करना होगा। यहाँ पर गाइस अभी आपको अपने जो सेकेंड स्काई वाला वीडियो है इस वाले वीडियो को आपको यहाँ पर गाइस सिलेक्ट करना है। जैसा कि साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो जो सेकेंड स्काई वाला वीडियो है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों अपने दोनों हाथों के फिंगर की हेल्प से कुछ इस तरह से इस स्काई को भी बड़ा करना है। इस वाले स्काई की जगह पे आप इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों देखोगे तो आपका जो स्काई यहाँ पे छोटा पड़ जाएगा। अभी आप स्पीड वाले ऑप्शन में जाकर नॉर्मल को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से 0.5x आप यहाँ पर कर दीजिएगा, देन आपको ओके प्रेस यहाँ पर करना है। देन आपका वीडियो का जितना ड्यूरेशन रहेगा ये जो स्काई वाला वीडियो है इसका ड्यूरेशन को उतना रख के बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को आप यहाँ पर ट्रिम करके हटा लीजिएगा। अब दोस्तों आप इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इस पर भी गाइस आपको यहाँ पे मार्क्स वाले ऑप्शन में जाना होगा। सेम गाइस इसमें भी स्पीड वाले ऑप्शन में जाके कुछ इस टाइप से इसको भी आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देनी है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ओके प्रेस करना होगा। अब आप अपने वीडियो में इस जगह पर आप यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको एड ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देन दोस्तों अभी आप यहाँ पर जिस भी फोटो का आप यहाँ पर स्काई पर लगाना चाहते हो उस वाली फोटो को आपको यहाँ पर अभी सेट करना होगा। तो गाइस मैं आपको दिखाने के लिए ये जो फोटो इसको यहाँ पर स्काई पर लगाऊंगा। तो गाइस सबसे पहले आप अपना जो फोटो है इसको कुछ इस तरह छोटा करके इस जगह पे आप यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कीजिएगा पहले, ठीक है, इस तरह से आपको एडजस्ट करना होगा। करने के बाद गाइस आप इसमें भी मार्क्स वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर जाना होगा। देन गाइस कुछ इस टाइप से इसको जस्ट इतना रख के इसको कुछ इस टाइप से खींच दीजिएगा, देन आपको यहाँ पर ओके प्रेस करना होगा। अब गाइस आप ओपेसिटी वाले ऑप्शन में जाके इसको कुछ इस प्रकार से घटा के आपको 80 रखना होगा, देन आप यहां पर ओके प्रेस कर लीजिएगा। अब साथियों इसका जो ड्यूरेशन जितना आपका वीडियो का ड्यूरेशन है इतना आप यहां पर कीजिएगा। इतना कर लेने के बाद गाइस अभी आपको अपने वीडियो पे यहां पर क्लिक करना होगा, इसका गाइस आप एक कॉपी कीजिएगा और उस वाले कॉपी को गाइस आप यहाँ पर ओवरले वाले ऑप्शन पर सेट कर दीजिएगा। देन कुछ इस प्रकार से इसको पकड़िएगा, नीचे से ला के इसको इस तरह से स्टार्टिंग से आपको यहाँ पर ऐड कर देना होगा। इतना करने के बाद दोस्तों अभी आप इस वाले वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, देन ये जो वीडियो इसका गाइस बैकग्राउंड को आपको रिमूव करना है, उसके लिए गाइस आप यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन पर आप यहाँ पर सेट कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपका रिमूव बैकग्राउंड परसेंटेज दिखेगा, उसके बाद गाइस आपका जो वीडियो का बैकग्राउंड है यहाँ पर रिमूव हो चुका है हो जाएगा सॉरी मैं यहाँ पर एक बार ऑलरेडी पहले रिमूव किया था इसलिए मेरा यहाँ पर वन क्लिक में हो गया। अब दोस्तों इसका गाइस आपको यहाँ पर एक कॉपी करना होगा, जिस कॉपी को गाइस आप यहाँ पर पकड़िएगा
और कुछ इस तरह से नीचे तरफ से ला के इसको आप यहाँ पे स्टार्टिंग से इसको आपको यहाँ पर ऐड कर देना होगा। इतना कर लेने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पर वीडियो पे क्लिक करना होगा। अब आप यहाँ पे नीचे में देखोगे तो गाइस आपको यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन दिखेगा, आपको साथ ही इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर मिरर को ऑन कीजिएगा, इसको आप रोटेट आप यहाँ पर कुछ इस टाइप से उल्टा आप यहाँ पर कीजिएगा, इसको आपको पकड़ना है देन इस तरह से आपको नीचे में आपको यहाँ पर रखना होगा जैसे गाइस यहाँ पर शैडो टाइप का दिखे। अब आप यहाँ पर बैक कीजिएगा देन इसमें गाइस आपको यहाँ पर ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर चले जाना होगा। देन गाइस इसका जो ओपेसिटी है आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से घटाइएगा, जैसे जैसे घटाओगे इस देखते हैं इसका जो ओपेसिटी है घट रहा है तो गाइस आपको जस्ट इतना आपको इसको यहाँ पर रखना होगा। देन आप यहाँ पर ओके प्रेस कर लीजिएगा। अब साथ ही आप ये जो फोटो है इस पर आपको एनिमेशन अप्लाई करना है, उसके लिए गाइस फोटो पर क्लिक कीजिएगा, एनिमेशन में जाके आपको यहाँ पर इन को सेट करना आएगा देन फेड इन वाले ऑप्शन को सेट कर दीजिएगा। देन आप यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको थोड़ा जस्ट इसका एक सेकेंड के लिए रखिएगा, उसके बाद आपको ओके प्रेस यहाँ पर कर लेना है। लीजिए साथियों आपका जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब अगर गाइस मैं अपने वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से वीडियो दिखेगा देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इस टाइप का एडिट कर सकते हो। बाकी साथियों आपको इस वाले वीडियो को अगर 4K में अगर सेव करना है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में जाइएगा, यहाँ पर 2K या 4K वाले ऑप्शन को सेट करके या फिर 60fps में इस वाले ऑप्शन पर सेट करके वीडियो को आप यहाँ सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको इसी तरह से एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आपको और भी देखना है तो आपको नीचे का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट किसी एडिटिंग वाले वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।